रुक जाना इधर। सर अपडेट आ रहा है ना, पहुंच गए। अरे एकदम बाजू में है अस्पताल। अरे नहीं है, नहीं है, अरे कोई नहीं है रे, छोड़ो, नहीं है, अरे कोई नहीं है रे, सवाना जी है रे, कोई नहीं है, अरे नहीं है भाई, पार्थिव शरीर दर्शन करने पहुंचे हैं। बॉलीवुड की वो पहली ऐसी अदाकारा है जो यहाँ पर अभी Thank you.
ए भाई छतरी अरे 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 आपकी कुछ बात हुई थी इसके पहले जब वो स्वस्थ थे? जोर से बोलो उनको। आपकी कुछ बात हुई थी उनसे? बीमार थे नहीं, कितने दिन से बीमार हुआ करते थे। मैं उसमें फोटो लाना भूल गई थी, फोटो बताते ना अभी सब अंदर जाना। बहुत प्यारा आदमी था, बहुत प्यारा औरत ने बहुत खिदमत करी। तुम्हारा मतलब महेश धर्मेंद्र नहीं रे पापा, ये देखो पीछे वाला धर्मेंद्र पीछे टीम और फैमिली मेंबर्स सभी लोग
बजे पे आम पिच के 1 बजे पे वॉइस किया और आप सब लोग जानते हैं कि दिलीप कुमार साहब एक फिल्म स्टार और एक अदाकार एक आर्टिस्ट ही नहीं थे बल्कि एक ग्रेट ह्यूमन बींग थे। और जितना भी मैं दिलीप साहब को जानता हूँ मुझको हमेशा साहब की बातों से साहब अपने आप को एक आर्टिस्ट कम उनकी बातें उनकी सोच उनकी तकलीफ जो लोगों के लिए उनकी भावनाएं जो दो लोगों के लिए थी वो एक इंसानियत के लिए थी अच्छे लोगों के लिए थी अच्छे देश के लिए थी देश के लोगों के लिए थी और पूरी दुनिया के लिए। इसी तरह ट्विटर पे लोगों का जवाब आ रहा है लाखों ट्वीट सुबह से आ चुकी हैं हर किसी का ये इंडिविजुअल रिप्लाई पॉसिबल नहीं है लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से सभी फैंस वेल विशर्स साहब के मतदान साहब के चिंतक लोग प्रक्रिया का पहुंचाना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी प्रार्थनाओं में साहब को हमेशा याद रखा दुआएं भेजी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सुबह 8:30 बजे जैसा आपने कहा कि लोगों को आना है लेकिन दिलीप साहब की कौन है बोलो यार वेरी गुड गाड़ी भी आ गई उसको चमक में अरे दादा दादा सोहेल भाई क्या कर रहे खान साहब खान साहब खान साहब खान साहब लग रहा है वो कब्रिस्तान साथ में जाएगा साथ में जाएगा वो अभी निकलेगा नहीं वो तो नहीं पूरा नाद होकर आएगा आड़े जा रहे मेरा बढ़िया हाँ भाई ठीक कर कॉल आएगा फिर से भाई बुलेटिन ऑन कॉल आएगा फिर हमारे आ रहे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए शाहरुख खान आए हुए हैं शाहरुख खान आए थे वो दिलीप कुमार के घर पर जॉनी लीवर मैं आपको बता दूँ जॉनी लीवर अभी भी आए हुए हैं ये भी अंतिम दर्शन के उनके घर के अभी जा रहे हैं आप देख सकते कई सेलिब्रिटीज का आना जाना शुरू ही है अरे भाई अंदर हो ना वो दे दे रहे हैं भाई अरे भाई यहाँ पे
अरे वाह अरे यार मोबाइल 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 आज यहां पर आप अरे मोबाइल आराम से आराम से आराम से आराम से जाने दो जाने दो चलो गणेश साहब इधर देखिए जी क्या कहेंगे पर आपके कैसे शहर को जान दो नहीं है गगन भुजबल साहब है भुजबल जी बोलिए कैसे याद जी आप भुजबल जी हैं क्या कर रहा बाबा जी उनको हमेशा हम याद करते रहेंगे इतनी बड़ी हस्ती हिंदुस्तान के पूरी दुनिया दुनिया उनको मानती थी आपको और इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया उन्होंने बहुत से आर्टिस्टों ने उनसे बहुत कुछ सीखा है एक नेचुरल एक्टर इंडस्ट्री में नेचुरल एक्टिंग उन्हीं से शुरू हुई और ये सब आप जानते ही हैं और हमारी मेरे लिए खुशी बात ये है कि मेरी खुशनसीबी कि मैं उनके साथ टूर किया उनके साथ वहाँ बैठा हूँ बंगले पे कई बार आना जाना हुआ बहुत प्यार करते थे मेरा काम उनको बहुत अच्छा लगता था और हमारी जूनियर मेहमूद साहब ने उन्होंने काम किया उनके साथ संघर्ष फिल्म में ये उनके साथ भी बड़े अच्छे संबंध रहे हैं और दिलीप साहब से बहुत कुछ सीखने जैसी बातें हैं इतने बड़े होकर के भी हम कभी महसूस होने नहीं दिए कि हम छोटे कलाकार हैं हमारे साथ इतने प्यार से बात करते थे यहाँ बंगले में बैठ के सायरा जी को बोलते थे मैडम सुनो यहाँ कोई नहीं आएगा यहाँ जॉनी और हम बैठे हैं कोई फ़ोन नहीं कुछ नहीं ओके हाँ वो डिस्टर्ब नहीं करना इसी मोहब्बत इतना प्यार दिया उन्होंने क्या उनके लिए क्या कहें उनके बारे में कहने के लिए बाप रे बाप और उनके कहीं भी फंक्शनों में आते थे चैरिटी शो बहुत करते थे कल्याण जी आनंद जी नाइट हम करते थे तो उसमें चैरिटी फंक्शन जाता तो वहाँ हर फंक्शन में मोस्टली ये होते थे तो इनकी स्पीच सुनने के लिए हम तरसते थे विंग में खड़े होते थे अब ये क्या बोलेंगे इस फंक्शन में क्या बोलेंगे हर टॉपिक पे हर बात पे वो तैयारी करके आते थे बोलते डॉक्टरों के लिए अलग से बोलते थे अभी डॉक्टर भी होते हैं हमसे ज़्यादा ये डॉक्टर बने जितने एक्टर कैसे बन गए तो इंजीनियर है उनके लिए बिल्डर के कुछ है बिल्डर होगा तो बिल्डरों के बारे में कुछ कहेंगे क्योंकि बहुत वो वाकई इंस्टीट्यूशन थे कोई गाना बिल्कुल बिल्कुल कोई गाना आपको याद है जिसने आपको सोचने पे मजबूर किया अपना नहीं उनकी बहुत सारी बातें हैं अभी तो कई वीडियोज में भी आप देखेंगे एनी वे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राज चौधरी कांग्रेस पार्टी के नेता छगन भुजबल जो दिलीप कुमार के अंतिम दर्शन के लिए आए थे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अंतिम दर्शन करने के लिए भाई मोबाइल मैं कहूँगा कि और दो साल और वो रहते हैं आगे आगे ए गाड़ी टेम्पो ले 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 लूंगा सर बैठ ले लो बैठ सर क्या बोलो सर क्या बोलना चाहेंगे भाई कौन है ये किस किस चैनल से हैं टाइम्स ऑफ इंडिया हाँ पूछिए सर क्या बोलना चाहेंगे मैं यही कहूँगा कि एक तनावर दरख्त एक सायेदार दरख्त जिसके साये में फिल्म इंडस्ट्री पिछले 75 साल से पनप रही थी फल फूल रही थी आज वो साया चला गया है दिलीप कुमार एक एक्टर नहीं है एक अदाकार नहीं है मैंने ये नहीं कहा कि वो थे मैं थे शब्द उनके लिए कभी इस्तेमाल नहीं करता दिलीप कुमार जैसा एक्टर दिलीप कुमार जैसा अभिनेता जिसने अपना काम समझ कर नहीं किया उन्होंने हमेशा अपना काम तपस्या आराधना इबादत समझ के किया इसीलिए उनके जो हजारों लाखों करोड़ों जो उनके प्रशंसक हैं उनकी इबादत करते हैं उनको पूछते हैं कभी उन्हें पैसे की लालसा नहीं थी कभी उन्होंने टीवी पर साबुन नहीं बेचा कभी उन्होंने टीवी पर तेल नहीं बेचा कभी शैम्पू नहीं बेचा अगर उन्होंने कुछ बेचा तो कैमरे के सामने अपने टैलेंट को बेचा
लालच नहीं की, 250-300 फिल्में नहीं की, 75 साल के दौरान में सिर्फ 70 फिल्में की। इसे कहते हैं शख्सियत, इसे कहते हैं किरदार। आज के जो हीरोज हैं, किसी ने 250 कर ली हैं, किसी ने 300 कर ली हैं। डेडिकेशन क्या होता है, सिंसेरिटी क्या होती है, काम में रमना क्या होता है, ये सीखिए उनसे। ये वो सीख देकर गए कि मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है। देखिए आज जमाना आया हुआ है, ये क्या कम है कि बताना। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे उतरा 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 उतरो उतरो यार, नहीं एक बंदा उतरो नहीं है ना सर 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 और हमारे साथ बड़े पुराने करीब ताल्लुक थे। आज बड़ा अफसोस है कि वो हमारे बीच में नहीं है। अल्लाह उनकी मगफरत करे, जन्नत में अच्छा होगा। कॉमन मैन एक्टर के तौर पे जाना जाता था सर, एक युग था उनके साथ जुड़ा हुआ, कई बड़ी जो है फिल्में उन्होंने ब्लॉकबस्टर्स की। महानायक सबसे पहले बॉलीवुड के माने जाते हैं, तो कौन सी ऐसी फिल्म है, ऐसा कौन सा डायलॉग है जो आज खास तौर पर आपको याद आ रहा है? आज दिलीप कुमार साहब की हर वो चीज़ें जो हमने बचपन से आज तक देखी वो हमारे सामने घूम रही है। आज दिलीप साहब हमारे बीच में नहीं रही, उनकी यादें रहेगी। मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ इस वक्त, दिलीप कुमार जैसा आदमी दूसरा कोई भी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, पूरी दुनिया में नहीं आ सकता है। दिलीप कुमार एक थे और एक ही रहेंगे। गाड़ी को बाहर आने दीजिए। थोड़ा सा पीछे प्लीज, यह थमा गाई करू ना, मीडिया गाई प्लीज, गाई करू ना, थोड़ा सा पीछे हो जाइए प्लीज। Thank you.
आराम से आरक्षण के लिए जरा जरा अपनी तरफ आई थी उसके उन्होंने दर्शन चलो घर पे लिया हूँ सारा वनों का, नहीं ये भी लेना दोनों, ये है सारा वन वाइट कर लो, लगना भी चाहिए ना कहाँ से लिया हूँ। सलामी देंगे क्या यहीं पे? ऐसा लग रहा है घर पे नहीं दिए हैं सलामी, नहीं दिया, नहीं आवाज सारे खड़े देने वाले देखो वो
काय यार तुम्ही घाबरवू नका ना, हाईट फोबिया त्याचा मला पण. सारा बानू की घर है यहाँ, गेट पे है, अंदर नहीं गए थे, अंदर लोग को अलाउड नहीं होता ना लेकिन. हाँ गए गए गए, वो देखो देखो वो देख जा रही है, देख जा रही है, जा रही है, वो जाएंगे वापस, जा सकते वहाँ से खड़े रह के अपनी जगह देंगे अंदर. काय करतो सर? हां होतं ना आधी यार मोबाईल आला मोबाईल करून नहीं मेरे को जाना तो जाऊँ ठीक है. हमने उधर ही मारा फोटो, घर से उधर उधर आए. हाँ सुबह जी मेरा एक है, ये स्टोरी है भाई, ये स्टोरी है, वो स्टोरी है, ये सुबह गएगा मोठ्या माणसाला पाहतो.
उनका क्या मालूम है। रेकॉर्डिंग चालू आहे बोलतो शिवाय हलतो नंतर बोला 6 वाजता नंतर अंदर ऑफिस 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 हाँ 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 फायरिंग अंदर वाला कौन सा बोल रहा है ये फायरिंग तो ले फायरिंग सर 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 अबू सर अबू सर अबू सर अबू सर अबू सर थोड़ा
चोको पीछे ले के चोको अरे यार ऐसे आगे मत देना मेरे फ्रेम में रह मारा अभी देखो ना कैमरा अंकल अभी अरे यार ये कैमरा पीछे ले अरे यार कौन है ये अरे मोबाइल 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 निकालो हां